नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन ओलियम सेंटाली के बारे में बताऊँगा, इसके क्या क्या सिम्टम्स है और ये हमारे बॉडी पे किस किस पार्ट्स पे वर्क करती है, इसके बारे में मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिए और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ओलियम संताली। दोस्तों, ओलियम संताली का कॉमन नेम है वायल ऑफ सैंडलवुड। दोस्तों, ये चंदन की लकड़ियों से बनाया जाता है। जो चंदन के पेड़ होते हैं उसमें से मदर टिंचर फॉर्म में इसका तेल निकाला जाता है और उसका होम्योपैथी में दवा बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ये हमारे बॉडी पे कहाँ कहाँ वर्क करती हैं हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कि बॉडी में कहाँ कहाँ वर्क करती है। ये बॉडी में किडनी पे वर्क करती है, आपके जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं उस पे ये आसानी से वर्क करती है, आपके चेहरे पे वर्क करती है यानी स्किन पे वर्क करती है और रिस्पायरेटरी सिस्टम पे ये वर्क करती है। दोस्तों, इतनी जगहों पे इसका एक्शन होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले चेहरे के सिम्टम्स यानी स्किन सिम्टम्स की बात करेंगे। अगर आपको चेहरे पे फुंसी हो गई है या तिल हो गए हैं, तिल मतलब काले काले फुंसी जैसे हो जाते हैं चेहरे पे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और काले काले तिल भी निकल जाते हैं, तो इसमें ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब कभी भी आपको ऐसे लगे, आपके चेहरे पे अगर तिल हो गए हैं, तो ओलियम संतालीस होम्योपैथी मदर टिंचर की 4 से 5 बूंदे आप उस मूल पे यानी तिल पे लगाओगे तो लगभग 1 महीनों के अंदर में जितने भी आपके चेहरे पे तिल है, फोड़े फुंसी है, मुहासे है, दाग धब्बे है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओलियम संताली इतनी अच्छी वर्क करती है चेहरे के स्किन पे। नेक्स्ट बात करेंगे कि हम ये किडनी में कैसे वर्क करती हैं। दोस्तों, किडनी में अगर दर्द हो रहा है, अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है आपके पेल्विक ऑर्गन पे जो प्रॉब्लम हो रही है, इसका जो मेन सिम्टम्स है वो इस प्रकार है कि आपको पेशाब करते समय यूरेटर होती है जो मूत्र नली होती है उसमें दर्द महसूस होगा और दर्द इतनी ज़्यादा होगी कि आपको डिफ़िकल्टी टू यूरिनेशन यानी कि आपको पेशाब करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत धीरे धीरे पेशाब होगा और देर तक पेशाब होगा, पेनफुल पेशाब होगा और पेशाब करने के बाद आपको जलन महसूस होगी, लगभग 8 घंटे तक जलन महसूस होगी, उस जलन के कारण आप यूरिन पास करने नहीं जाओगे और ये क्रोनिक सिस्टाइटिस की भी बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, अगर आपके यूरिनरी ब्लडर में इन्फ्लामेशन हो गया है जिसके कारण आपको पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, पेशाब करने के बाद जलन होती है, ये सिस्टाइटिस के लक्षण है, ये मेल और फीमेल दोनों में दिखने को मिलता है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करें तो ये गोनोरिया में भी अच्छी वर्क करती है, आपके जो पेनिश है उस पर जो स्किन है, फोर स्किन है, उसमें से गाढ़ा ऑफेंसिव पस का फॉर्मेशन होता है, पीप निकलता है, दर्द रहता है, स्वेलिंग हो जाती है, जो गोनोरिया के जो लक्षण होते हैं उसमें ये बहुत अच्छी वर्क करती है और आपके यूरेथ्रा में भी ये अच्छी वर्क करती है। आपके यूरेथ्रा में ऐसा सेंसेशन होगा कि उसमें कुछ पेशाब की बूंदें अटकी हुई है, तो इस तरह से इसमें वर्क करती है। तो दोस्तों, ये थे होम्योपैथिक मेडिसिन ओलियम संथाली के बारे में विशेष जानकारी, क्या क्या सिम्टम्स है और कैसे ये वर्क करती है। दोस्तों, इसको लेना कैसे है? दोस्तों, आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है और चेहरे पे अगर तिल हो गए हैं, दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, तो आपको
पांच बूंद उस पर लगाना है सुबह दोपहर शाम। एक महीने तक लगाइए, आपके सारे तिल दाग और धब्बे मिट जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारियाँ मिले। अपना कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।